ठीक है, दिया हुआ था हानि प्रतिशत दे दिया था, तो हानि प्रतिशत कितना था सर? 10% वो लिख लेंगे। उसके बाद बोला था कि जो 450 रुपया में बेच दिया, तो बेचना मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो बेचना मतलब सर विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या रुपया में? 450। 450 रुपया में वो बेच दिया। हाँ तो सर यहाँ प्रतिशत था ना? हाँ तो प्रतिशत था, तो प्रतिशत के मतलब क्या लिखते हैं? 10/100 लिखते हैं। हाँ एक सोना कर जाएगा, तो 1/10 बचेगा। तो जो बट्टा के नीचे रहता है, हम उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारा क्रय मूल्य हो जाएगा, समझे? तो सर यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिख देंगे। अगर हम 10 रुपया में खरीद लिए हैं बहुत शौक से, तो सर यहाँ बोल दिया था हानि, तो यहाँ पे हानि लिख लेंगे। यहाँ कैर, यहाँ एक लिखा हुआ है ना, 1 रुपया के हानि हो जाएगा। 1 रुपया के हानि होगा ना। उसके बाद देखिए, जब क्रय मूल्य लिख दिए, हानि भी लिख दिए, तो बेचेंगे तब तो हानि होगा ना। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिख देंगे, विक्रय मूल्य लिख देंगे। तो सर 10 रुपया में बहुत शौक से खरीदे थे, 1 रुपया के कहेंगे हानि हो गया, तो कै रुपया अब देख लीजिए, उसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य के सामने ना 450 लिखेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे? 450। अब देखेंगे इससे क्या गुना है। देखिए 9×45 है, 50 गुना है, 50 गुना है, तो एक में कैसे गुना करेंगे? 50। इसमें भी कैसे गुना करेंगे? 50। ये कितना हो जाएगा? 500। ये कितना होगा? 50। अब पूछेगा कहना क्वेश्चन पे, तुम बता क्या पूछा है लास्ट में पढ़ना। क्रय मूल्य कितना लागत था? 500 था। अब पूछेगा तनी हानि बता दो कितना होगा, तो बोल देना हानि 50 रुपया। आइए तो दलील था, समझ गया? ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे 90/100 बराबर में 400। फॉर्मूला होता क्या याद रखता?